पर हम सब उनका अभिभावक कार्तिकेयन ललन बाबू और अभिभावक महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में जनप्रतिनिधि हैं, इसका नीतीश कुमार। और आज अगर 24 सीट पर चुनाव हो रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को पर मोहर लगाना किसका काम है? आपका। आज उन्होंने आपको शक्ति दी है, पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों को उन्होंने ताकत दिया है, पंचायती राज व्यवस्था के महिलाओं को उन्होंने शक्ति दी है, न्याय के साथ विकास का नारा अगर उन्होंने सर जमीन को उतारने का काम किया है तो उनके आप सम्मान की रक्षा करना आप जनप्रतिनिधियों का काम। अभी देख रहे थे, कल हम बिहार शरीफ में थे, कुछ मीडिया वाले लोगों ने हमसे पूछा कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं कह रहे हैं कि 2400 सीट हम लोग अगर जीत जाएंगे, 1500 जीत जाएंगे तो बिहार में अपना सरकार बनाएंगे। आप बताइए, जो आदमी इतना समय गया हो, जिस आदमी की विचारधारा ये हो, उसके हाथ में अगर एक भी सीट मिलेगा तो क्या समझ कहां जाएगा? अहंकार कहां जाएगा? अहंकार सब आसमान पर जाएगा, और आसमान पर जब अहंकार जाएगा तो सबसे ज्यादा अत्याचार अगर होगा तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों पर होगा और महिलाओं पर होगा। राज्य के 15 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन था? लालू जी के 15 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा पीड़ित और फिर पिछले वर्ग के लोग सड़क पर निकलना नहीं मंजूर करते थे, ऐसे भय का वातावरण था, आतंक का वातावरण। मेरी लाल का सपना देखता है उसको हम लोग क्या करें, कोई कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले कुछ ईश्वर स्थान में और तारापुर में चुनाव हो रहा था, दोनों सीटें जीत रहे, अभी 24 सीट जीत रहे हैं, 24 में एक तो वो सीट नहीं जीतेंगे, 2400 सीट पर एनडीए का जीत। रोड शो करने के लिए कह रहे हैं सर, रोड शो करेंगे बख्तियारपुर में? रोड शो करे चाहे वो कुछ शो करे, रोड शो करके अपने समर्थकों को वो उकसाते और तनाव समाज में तनाव पैदा करते हैं। और नीतीश कुमार जी सामाजिक सद्भाव में और समाज में सद्भाव में विश्वास करते हैं, यही अंतर है। कभी देखें आज तक नीतीश कुमार जी को रोड शो करते हुए? वो नहीं करते, इसलिए कि उनका सोच है समाज में सद्भाव कायम रखना, समाज में आपसी भाईचारा करना।